Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study chapter fiber to fabric. Do you know what is fiber? क्या आपको पता है fiber क्या होता है? Fiber क्या होता है? एक पतला सा thread होता है. धागे आपने देखे होंगे. अब इन धागों की help से हम fabric बनाते हैं. Fabric क्या होता है ma'am? Fabric cloth होता है, कपड़ा होता है जिसको आप पहनते हैं. कोई भी अगर cloth आप देखेंगे तो आप जब उसको अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो पतले 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 धागों से मिलके बनता है. तो ये फाइबर सिर्फ फैब्रिक की जर्नी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट? हाउ टू मेक फाइबर टू फैब्रिक. सो लेट्स कम टू इट. इन क्लास 6 यू हैव स्टडीड, यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. आपने ये पढ़ा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हमें फाइबर्स देते हैं. यू ऑल्सो हैव लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. आपने ये भी पढ़ा कि जो वूल क्या होती है? ऊन, सिल्क, रेशम आपने सुना होगा. तो वूल और सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होती है? दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. हम उसको एनिमल से लेते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस. वूल को हम किससे ऑब्टेन करते हैं? इसको अच्छे से समझ लीजिए, फ्लीस से. व्हाट इज दिस फ्लीस मैम? ये फ्लीस क्या होती है? फ्लीस क्या होती है बेटा? हेयर ऑफ शेप और याक. जो भी भेड़ होती है ना, भेड़ के ऊपर क्या होती है? ऊन होती है, राइट? वूल होती है. जो उसके हेयर्स होते हैं उस हेयर को हम फ्लीस बोलते हैं, राइट? सिल्क फाइबर दैट इज फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क मोथ. रेशम के कीड़े से हमें सिल्क फाइबर मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शेप बॉडी यील्ड फाइबर्स? आपको क्या पता है कि कौन सा बॉडी का पार्ट होता है जिससे आपको फाइबर मिलती है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इन टू द वुलन यार्न? किस तरह से ये जो फाइबर्स होती है उनको वुलन यार्न में, उनका पूरा का पूरा आपने गुच्छा देखा होगा ना, राइट? आप देखते होंगे कि ये पूरी की पूरी ऐसे वुलन यार्न बनी हुई होती है, ठीक है? और इसको आप खरीदते हैं. किस चीज़ के लिए खरीदते हैं? आपकी दादी, आपकी नानी आपके लिए स्वेटर बनाती हैं बहुत सुंदर सुंदर, राइट? तो ये जो स्वेटर जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? वुलन यार्न से बनते हैं, वुलन यार्न. और ये जो वुलन यार्न होती है वो किससे बनती है? ये किससे बनती है? शिप के हेयर से. शिप के हेयर से या याक के हेयर से. इस हेयर ऑफ शिप को क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट फ्लीस. हम क्या बोलते हैं उसको? फ्लीस बोलते हैं, राइट? राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हेयर दैट हाउ दिस सिल्क फाइबर. डू यू नो सिल्क फाइबर्स से सिल्क कैसे बनता है, राइट? विच इज वोव इन टू साड़ीज. आपने सुना होगा ना, आपकी मम्मी बोलती है सिल्क की साड़ी, राइट? तो ये पूरा को पूरा जो साड़ी बनती है सिल्क से वो कैसे बनती है? तो इतने सारे क्वेश्चन आपने पूछे हैं मैम, इनका आंसर कौन देगा? वी आर हेयर टू गिव दिस, राइट? वी आर हेयर टू गिव ईच एंड एवरी आंसर ऑफ योर्स. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर्स दैट इज वूल एंड सिल्क. आपने सुना तो होगा वूल. वूल क्या होता है? ऊन होती है. सिल्क क्या होता है? रेशम. क्योंकि दोनों के दोनों एनिमल्स से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलने की वजह से इनको हम क्या बोल रहे हैं? एनिमल फाइबर्स. ऐसे जो फाइबर जो प्लांट से मिलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्लांट फाइबर. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वूल. वूल कम्स फ्रॉम शिप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. जो वूल होती है वो हमें किस किस एनिमल से मिलती है? शिप से मिलती है. गॉट के ऊपर ऐसी वूल होती है, याक से और बहुत सारे एनिमल्स से.
these wool-yielding animals bear hair on their body. अब आपने देखा ये जो आपको शिप दिखाई दे रही है तो उसकी बॉडी पे आपको हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं, शिप, गोट, याक, इन सब के ऊपर क्या होता है, वूल हेयर्स होते हैं. उन हेयर्स से हम वूल बनाते हैं. डू यू नो व्हाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको ये समझ में आता है कि जो ये एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर इतने सारे बाल क्यों होते हैं? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर. डू यू नो कि अगर आपने देखा होगा कि ये जो हेयर्स होंगे ये हेयर्स बहुत सारी एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, राइट? ओके, सो नाउ एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर तो पुअर कंडक्टर होती है. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है मैम? ध्यान से समझिए. आपके पास एक वुड है, राइट, लकड़ी है, और एक आपके पास मेटल की रोड है. एक वुड और एक मेटल रोड. तो अगर वुड रोड में से अगर आप करंट पास करेंगे तो करंट इसमें से पास नहीं होगा, राइट? तो इसको, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट? ठीक है, करंट वो तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? बैड कंडक्टर होगा किसका? इलेक्ट्रिसिटी का. बट अगर आप हीट पास करेंगे तो हीट पास नहीं होगी, राइट? तो वो क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा किसका? हीट का. मेटल रोड में से आप यहाँ से गर्म करना शुरू करो, फटाफट से आप देखते हो यहाँ पर जब टच करोगे तो भी वो हीट हो रहा है. इम्प्लाइज यहाँ पर ये क्या है? गुड कंडक्टर है. किसका? हीट का, राइट? तो हमने कहा एयर, एयर क्या करती है? अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती, ईजली पास नहीं होने देती, राइट? तो एयर ट्रैप जो यहाँ पर बन गया उससे जो हीट होगी वो शिप को, शिप तक नहीं पहुँचेगी, तो शिप को ठंड नहीं लगेगी. सो हेयर कीप दिस एनिमल वार्म. और इस वजह से जो एनिमल्स होते हैं गर्म रहते हैं. वूल इज डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. और वूल हमें कहाँ से मिलती है? ये जो हेयरी फाइबर्स होती हैं उनसे मिलती है, राइट? नाउ हेयर फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. कौन से ऐसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो कोर्स होते हैं, राइट? सो नाउ लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज टू टाइप ऑफ फाइबर. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर्स होते हैं, राइट? अलग अलग तरीके के क्या होते हैं हमारे ऊपर? हेयर्स होते हैं. सेम एज इट इज़ हमने कहा कि जो शिप होती है उसके ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड में के क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. सो हेयर व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? फर्स्ट टाइप इफ यू विल अंडरस्टैंड दैट इज द कोर्स बियर्ड हेयर. व्हाट इज दिस कोर्स बियर्ड हेयर? क्या होता है कोर्स बियर्ड हेयर? सो दिस इज अ टाइप ऑफ हेयर दैट इज थिकर, मोटा होता है बाल, वाइडर इन डायमीटर, राइट? देन दीज टाइप ऑफ हेयर्स वी कॉल इट कोर्स बियर्ड हेयर. आप अपने फादर की जो दाढ़ी है ना उनको हाथ लगा के देखना. सो यू फील थिकर, वाइडर इन डायमीटर. सो व्हाट काइंड ऑफ हेयर दीज आर? कोर्स बियर्ड हेयर, राइट? एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? फाइन सॉफ्ट तो यू नो इट, है ना? जो बहुत ही मुलायम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइन सॉफ्ट, राइट? ओके, सो वी दिस शिप हैव टू काइंड ऑफ हेयर, टू टाइप ऑफ हेयर फाइबर्स. व्हाट इज कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. द फाइन हेयर
प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। ये जो फाइन हेयर होता है उसको यूज किया जाता है वूल को बनाने के लिए। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ऐसे शिप्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, सिर्फ फाइन अंडर हेयर होते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to ships which has only soft under hair, right? तो वहाँ पर सिर्फ वो वाली ship choose की जाते हैं जिनके soft under hair होते हैं, right? Okay? तो यहाँ पर which is very close to the skin, skin के बिल्कुल पास वाले जो होते हैं उनको choose किया जाता है। This process of selecting parents for obtaining special character in the offspring such as soft under hair in the shape is termed as selective breeding। इस तरह का जो ब्रीडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब ऐसे शिप चूज किए गए जिनके हेयर जो थे वो कैसे थे, सॉफ्ट थे, राइट। सो नाउ एनिमल दैट यील्ड वूल। सेवरल ब्रीड ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके की शिप्स होती हैं। ब्रीड होता है अलग अलग किस्म की, राइट। आपने देखी होंगी किसी की कैसी होती है, अपनी जैसे काउ देखी है, काउ भी अलग अलग तरीके की होती है, बफेलोज भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रीड्स बोलते हैं। हाउएवर द फ्लीज ऑफ शिप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ फ्लू। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो शिप के बाल होते हैं, शिप के बाल होते हैं उनसे वूल ली जाती है, राइट। द वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल। लेकिन जो मार्केट में अधिकतर होती है वो कौन सी होती है, शिप वूल। ले तो बहुत सारे से सकते हैं, राइट। सो याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत लद्दाख। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं और उनसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्या मिलती है, हमें वूल मिलती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। कैन यू सी दिस, दिस गोट, राइट। तो ये भी हमें क्या देती है, वूल देती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल। बहुत सुंदर सुंदर शॉल्स बनाई जाती हैं और इसी को ही क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल। आप जम्मू कश्मीर इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे, आपकी मम्मी से पूछना, आपकी मदर बताएंगे कि पश्मीना शॉल्स कौन सी होती हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट। कुछ ऐसी शॉल्स होती हैं जो चुभने लग जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं। सो पश्मीना शॉल दे आर ऑब्टेन फ्रॉम किससे मिलती है, कश्मीरी गोट से मिलती है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल। कैमल की बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, जो फर होते हैं, उनको भी यूज किया जाता है किस चीज के लिए, फॉर मेकिंग वूल। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथर्न अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। आपने देखा होगा कि जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, राइट, लामा एंड अल्पाका, दीज आर ऑल्सो यूज टू मेक वूल, राइट। वूल भी इनसे ही मिलता है। Activity 3.2, collect picture of animals whose hair is used as wool. आपको वो animals लेने हैं जिनसे आपको wool मिलती है। Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in the book. Find out word for ships, goat and animals and yak in your local language and also in the other language of the country. आप इनकी वूल्स के लिए क्या क्या यूज करते हैं, कैसे कैसे कंट्री के अंदर ये जो शिप होती है, गोट होते, कैमल होती है, उनको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। नाउ हियर एक्टिविटी 3.3, ओके दिस इज आई थिंक मोर नो हियर एक्टिविटी 3.3, प्रोक्योर दिस आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेर यू फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वूल। आपको क्या करना है, मैप लेना है इंडिया का, इंडिया के मैप के ऊपर आपको ये बताना है कि कौन से प्लेस से हमें कौन से एनिमल मिलते हैं जो हमें वूल देते हैं। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द
लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स. अलग अलग कलर, सुंदर सुंदर कलर यूज करने हैं अलग अलग एनिमल्स के लिए जो आपको वूल को प्रोवाइड करते हैं. फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड. शिप क्या किए जाते हैं? रियर किए जाते हैं. देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल. उनकी हेयर्स क्या किए जाते हैं? कट किए जाते हैं. ठीक है, रियर का मतलब होता है पालना. ठीक है, आप इंग्लिश टू हिंदी इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, सो हेयर आई एम टेलिंग इट पालना. राइट, रियर का मतलब होता है पालना. तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल वी रियर शिप. किसको रियर करते हैं? शिप को. Their hair is cut and processed into the wool. उनकी हेयर कट किए जाते हैं और किस में कन्वर्ट किया जाता है? उनको वूल में. Let us learn about this process. So here we are understanding rearing and breeding of sheep. If you travel to hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plain of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherd taking their herd. What do you mean by shepherd? Do you know it? Just take a 1 second, 1 to 2, 3 seconds, and then you tell me. What do you mean by shepherd? Shepherd, a person whose job is to look after sheep. जैसे क्या होता है कि जो sheep को पालते हैं ना, शिप को पालने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेफर्ड बोलते हैं. राइट, दिस शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड. हर्ड्स का मतलब होता है झुंड. राइट, देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग. उनको चराने के लिए वो जो पर्संस होते हैं वो लेके जाते हैं. राइट, शिप्स आर हर्बीवोरस. डू यू नो शिप कैसे होते हैं? हर्बीवोरस. व्हाट इज दिस हर्बीवोरस? हर्बीवोरस आर द प्लांट्स विच आर यूज्ड. किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है हर्बीवोरस? वो सॉरी नॉट प्लांट्स, यू कैन सी द शिप्स आर हर्बीवोरस. हर्बीवोरस क्या होती है बेटा? ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ किसको खाते हैं, याद कीजिए, दैट ओनली ईट प्लांट्स. शाकाहारी जिनको बोलते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज हियर हर्बीवोरस? दीज आर द एनिमल्स विच ओनली ईट प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाएं. ठीक है, तो शिप कैसी होती है? दे आर हर्बीवोरस. राइट, ओके, नाउ शिप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप रियर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड. राइट, जो शिप होती है उसको चराया तो जाता ही है, साथ में मिक्सचर दिया जाता है इन सारी चीज़ों का. इन विंटर शिप आर कैप्ट इनडोर. सर्दियों के टाइम पर शिप को अंदर रखा जाता है एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रीन एंड ड्राई फोडर. यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि उनको क्या क्या दिया जाता है. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दिस आर इम्पोर्टेंट फॉर योर दैट एग्जाम्स. राइट, तो वो एग्जाम्स में आपको समझ में आएगा. ठीक है, फूडर क्या होता है? ड्राई फूडर क्या होता है? कोई भी चारा जो एनिमल्स के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं फूडर. राइट, हम अपना खाना जो खाते हैं उसको बोलते हैं फूड. एनिमल्स के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फूडर बोलते हैं. ठीक है, तो जो शिप होती है उनको अंदर ही, क्योंकि विंटर है ना, ठंड लग जाएगी, तो उसको अंदर ही खाना दिया जाता है. क्या क्या दिया जाता है? पत्तियाँ दी जाती हैं, ग्रेन्स दी जाती हैं, दाने. ठीक है, ड्राई फूडर भी दिया जाता है. शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आर कंट्री फॉर वूल. शिप को हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर पाला जाता है क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है. टेबल 3.1 गिव द नेम ऑफ अ सम ब्रीड ऑफ अ शिप रियर्ड इन आर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल. सो दीज आर गिवन हियर. राइट, नेम ऑफ द ब्रीड लोही, रामपुर बुशहर, नाली, इट्स बकरवाल, मारवाड़ी, पटनवाड़ी. दीज ऑल आर नेम ऑफ ब्रीड. डिफरेंट डिफरेंट काइंड से उनको हम बुलाते हैं. सो हियर लोही, दैट्स अ गुड क्वालिटी वूल. राइट, इसकी जो वूल होती है सबसे अच्छी होती है. राइट, रामपुर बुशहर की क्या होती है? ब्राउन फ्लीज होती है.
नाली से क्या की जाती है, कारपेट वूल बनाई जाती है। बकरवाल से वूलन शॉल्स बनाई जाती है। मारवाड़ी से कोर्स वूल बनती है। पटनवाड़ी से फॉर होइजरी बनती है, होइजरी की जो वूल्स होती है ना उनको। कहाँ कहाँ मिलती है, लोही दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब। रामपुर बुशहर दैट इज इन उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश, राइट। नाली दैट इज इन राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब, राइट। तो ये आप देखेंगे कि डिफरेंट जो कंट्री के अंदर स्टेट्स होती हैं उसमें हमें क्या मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट वूल्स भी मिलती हैं और गॉट भी मिलती हैं, राइट। सो सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव अ थिक, सो हियर वी वर दिस गिव द सम ब्रीड्स ऑफ अ शिप रियर्ड इन आर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम दैम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। इसमें ये बता रखा है कि क्या कैसी कैसी क्वालिटी है, कैसा कैसा टेक्सचर होता है। सर्टेन ब्रीड ऑफ अ शिप हैव अ थिक कॉट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। कुछ ऐसी शिप्स होती हैं जिनके ऊपर जो बाल होता है वो थोड़ा मोटा होता है, विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन द लार्ज अमाउंट। और वो क्या करती है, हमें बहुत सारी अमाउंट में अच्छी वूल प्रोवाइड करती है। एज मैंशन अर्लियर दीज शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड। ऐसा नहीं होता कि ये सारी की सारी सभी गोट्स में मिलती है, ठीक है। तो ये कैसी होती है, सेलेक्टिव ब्रीड होती है। विद वन पेरेंट बींग अ शिप ऑफ अ गुड ब्रीड वंस द रियर शिप हैव डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ एंड गेटिंग वूल। अब उसको उसके बाल उतार दिए जाते हैं और उस तरह से हम क्या करते हैं, वूल को उससे ऑब्टेन करते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इन टू वूल, द वूल विच इज यूज फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वींग शॉल इज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। सो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग नाउ, अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि फाइबर से वूल पर कैसे प्रोसेस बनता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनसे उसको जाना पड़ता है और वो फाइबर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वूल में, मतलब ऊन में कन्वर्ट हो जाती है। द वूल विच इज यूज फॉर नीटिंग स्वेटर, ऐसी वूल जो स्वेटर के लिए यूज़ की जाती है या शॉल बनाने के लिए यूज की जाती है, उसको किस किस स्टेप से जाना पड़ता है। फर्स्ट है द फ्लीस ऑफ द शिप अलोंग विद थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट बॉडी। सबसे पहले क्या बताया गया, जो फ्लीस होती है शिप की उसको उतारा जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शियरिंग बोलते हैं, व्हाट वी कॉल्ड इट, शियरिंग। भेड़ के ऊपर जो बाल होते हैं ना, जो पतली पतली बाल होते हैं उनको वो उतार देते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, शियरिंग, ठीक है। और जब ये हेयर्स उतारते हैं तो साथ ही साथ उसकी एक बहुत पतली सी जो लेयर होती है स्किन की वो भी उतर जाती है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर आर यूज टू शेव ऑफ हेयर, यूजली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जो हेयर है वो अधिकतर हॉट वेदर में रिमूव किए जाते हैं। दिस इनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो इस तरह से जो शिप होती है वो सर्वाइव कर पाती है, राइट। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, ये जो हेयर होते हैं वो हमें वूलन फाइबर्स देते हैं, ऊन देते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न, और उससे क्या ऑब्टेन किया जाता है, वूलन यार्न प्रोड्यूस किया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शेप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट योर हेयर कट और योर फादर शेप इज स्प्रेड। आपने देखा होगा बियर्ड, सो आपने देखा होगा कि आपके फादर की जब दाढ़ी बढ़ जाती है या दादा की बढ़ जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, शेव करते हैं। अब वो जब शेव करते हैं तो उनको क्या दर्द होता है, नहीं होता है ना, दर्द होता तो वो क्यों करते। सेम एज इट इज़, आप ये सोचो कि जो शिप होती है उनके जो बाल होते हैं जब उनको हटाया जाता है, मीन्स जब शेयरिंग की जाती है तो उनको पेन नहीं होता। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। जब ऐसा होता है कि हेयर बढ़ते हैं तो ऊपर की जो स्किन होती है ना शिप की वो डेड हो जाती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शिप ग्रोज अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। आप अपने बाल कटवाओ तो क्या आपको दर्द होता है, नहीं होता, राइट। इमोशनली इफ यू आर कनेक्टेड दैट इज अनदर थिंग, बट ऐसा तो नहीं होगा दर्द होगा। तो ये क्या कहा गया है यहाँ पर, कि जैसे आपके बाल कटवाने के बाद दोबारा बढ़ जाते हैं
सेम एज इट इज किसके साथ होता है, शिव के साथ भी होता है, राइट। एक बार हेयर्स के कट हो जाने के बाद वो हेयर्स दोबारा ग्रो करते हैं। स्टेप टू, द शियर्ड स्किन विद द हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट, डर्ट। अभी देखा कि जो वूल तो उतार लिया आपने, जो फ्रीज थी उसको तो उतार लिया, लेकिन उसमें तो बहुत सारा डस्ट होगा क्योंकि जो शिप होंगी वो तो इधर उधर जाएंगी, ठीक है। तो ये जो शिप्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी उसके ऊपर से फ्रीज उतारी जाती है, स्किन उतारी जाती है, उसको फिर क्या किया जाता है, टैंक में वॉश किया जाता है। इट इज़ वॉश्ड, किस चीज़ के लिए वॉश किया जाता है, टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कॉरिंग बोलते हैं, राइट। नाउ इट इज स्कॉरिंग इज डन बाय मशीन। अभी ऐसे पहले ऐसा होता था हाथ से की जाती थी, अब ये मशीन से होती है। स्टेप थ्री, आफ्टर स्कॉरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कॉरिंग के बाद क्या की जाती है, सॉर्टिंग की जाती है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री, ये जो स्किन होती है उसको फैक्ट्री में भेजते हैं। द हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स, ये जो फाइबर बनता है उसको बर्स बोलते हैं। आर पिक्ड अप फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर। द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड, उनको हटाया जाता है और ड्राई किया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर। अब ये जो वूल होती है उसको किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, फाइबर्स के लिए। द फाइबर कैन बी डाइड इन द वेरियस कलर, क्योंकि हमें तो सुंदर सुंदर कलर की जरूरत होती है, तो जो भी धागे बनाए जाते हैं उनके अलग अलग कलर दिए जाते हैं। एट द नेचुरल फेस ऑफ द शिप एंड गॉट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट, राइट। हेयर द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड कॉम एंड रोल्ड इन टू यार्न्स, अब उनको सीधा किया जाता है, उनको कॉम किया जाता है और रोल किया जाता है ताकि उनके पूरे के पूरे रोल बन जाए, यार्न्स बन जाए, राइट। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इन टू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इन टू वूलन क्लोथ। मतलब जितने भी बड़े बड़े धागे होते हैं उनको तो स्वेटर के लिए जो वूल चाहिए होती है उसको उसमें यूज़ किया जाता है, और जो छोटे वाले जो धागे होते हैं उनको स्पन किया जाता है, बुना जाता है और फिर उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, वुलन क्लॉथ में किया जाता है। दिस इज हेयर शीरिंग ए शेप, किस तरह से पेड़ के ऊपर से उसके स्किन को उतारा जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप इट इज स्कॉरिंग, स्कॉरिंग मीन्स जो भी डस्ट है ग्रीस है उसमें से उसको हटाया जाता है। देन नेक्स्ट इज स्कॉरिंग बाय मशीन, दिस इज अनदर प्रोसेस। देन रोलिंग इन टू यार्न्स, उनको कॉम किया गया और उनको किस में कन्वर्ट किया गया, इनटू यार्न, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। फर्स्ट इज व्हाट, शेयरिंग, सबसे पहले प्रोसेस क्या था, शेयरिंग, उसकी स्किन को उतारना, शिप की स्किन को उतारना। देन वी हैव स्कॉरिंग, स्कॉरिंग मीन्स टू मेक इट डस्ट फ्री, टू मेक दिस क्लीन। देन वी हैव सॉर्टिंग, अलग अलग जो भी इसके ऊपर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो अनयूजफुल होते हैं उनको दोबारा दोबारा उसमें से सॉर्ट किया जाता है और एक अच्छी वूल ली जाती है। देन क्लीनिंग ऑफ बर्स, देन रोलिंग एंड देन डाइंग, राइट। देन क्लीनिंग, देन डाई, कलर दिया उसको और उसके बाद क्या किया उसको, क्या किया उसको, रोल कर दिया और उससे हमने क्या किया, स्वेटर के लिए उसको यूज किया। नाउ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, हेयर वूल इंडस्ट्री इट इज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड for many people in our country, but shortest job is risky at some time, they get infected by the bacterium anthrax, which cause a fatal blood disease. एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं anthrax, it's a bacterium, bacterium होता है, ये क्या होता है, blood disease हो जाती है, called, इस disease का नाम क्या है, shorter disease, bacterium का नाम क्या है, anthrax, right? ठीक है, सच रिस्क फेस बाय द वर्कर इन एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो बुजो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट, क्यों ऐसा होता है कि जब हम बाल कटवाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, लेकिन कोई हमें हमारे बालों को पुल करता है तो दर्द होता है।
Buju is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen. आप सिंपल कॉटन का अगर कोई कपड़ा पहनोगे सर्दियों में तो क्या आपको ठंड लगेगी? ठंड क्या रुक जाएगी? क्या वो आपको गर्मी देगा? तो ठंड देगा, है ना? आपको ठंड लगने लग जाएगी. क्यों? क्योंकि उसने आपको गर्म नहीं किया. तो हमें क्या पहनना चाहिए? वुलन स्वेटर पहनने चाहिए. ठीक है. सो नाउ वी हैव एक्टिविटी 3.4 है. डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज अ फियर ऑन द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन टू रियर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल. क्या ये सही है कि ह्यूमन के लिए हम शिप के जो हेयर है उनको रियर करें, राइट? और उनसे हम क्या करें? वूल लें. सो यू हैव टू गिव ए डिबेट. आप इस चीज़ के ऊपर अपने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों बता सकते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्क. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सिल्क के बारे में बात करेंगे. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. सिल्क फाइबर्स कौन से फाइबर होते हैं? एनिमल फाइबर्स होते हैं, राइट? सिल्क वॉर्म स्पिन द स्किन सिल्क फाइबर. जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या करता है? स्पिन करता है किसको? सिल्क फाइबर को. द रियरिंग ऑफ अ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सिल्क वॉर्म से हम क्या करते हैं? जो सिल्क वॉर्म होता है उसको रियर करते हैं, राइट? आपने देखा कि कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है? सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है. रियर मतलब पालना. तो ये जो प्रोसेस होता है, मतलब इस ऑक्यूपेशन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर. क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट सेरीकल्चर. फाइंड आउट योर मदर आंट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव. अब ये देखो कि किस तरह की उनके पास सिल्क साड़ी होती है. लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क. और ये देखो कि वो जो सिल्क का पैटर्न है वो भी अलग होता है, राइट? अलग अलग डिफरेंट काइंड के सिल्क पहनते हैं. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वूल. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सिल्क का जो कीड़ा होता है वो कैसे बनता है. सो हियर लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग. आपने देखा जो सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है? अंडे देती है. फ्रॉम विच हैच लार्वा. और उससे क्या बनता है? लार्वा बनता है. विच आर कॉल्ड कैटरपिलर. क्या बोलते हैं उसको? कैटरपिलर बोलते हैं या सिल्क वॉर्म बोलते हैं. द ग्रो इन साइज. वो बढ़ता रहता है. एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री इट इज कॉल्ड प्यूपा. उसको क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. Then it swings its head from the side to side in the form of the figure of eight, like this, right? Okay, now here, during this movement of a head, the caterpillar secrete fiber. तब वो क्या करती है? Fiber को देती है. So this is male, this is female. Adult silk moth, here, egg on the mulberry leaf, this our egg. Then we have here, silkworm, this is cocoon. That cocoon with the developing moth, right? Life history of this silk moth. So here, what I am saying, we were telling about it. The caterpillar secrete fiber made up of. ये fiber secrete करता है और उस fiber में क्या होता है? Protein होता है, which hardens on exposure to air, and then it becomes silk fiber. और फिर हमें क्या मिल जाता है? Silk fiber मिल जाता है. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turn into pupa. This covering is known as cocoon. उसको क्या बोलते हैं? Cocoon बोलते हैं. The further development of pupa into moth continue inside the cocoon. Pupa का जो development होता है moth से convert होने का वो चलता रहता है किसके अंदर? Cocoon के अंदर. Here silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable thread of steel. आपको पता है कि जो silk yarn जो होती है वो steel से भी ज़्यादा क्या होती है? Strong होती है. The silk yarn is obtained from cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and silk yarn this give is different in texture. Thus, tassel silk,
मुगा सिल्क, कोसा सिल्क, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बट डिफरेंट काइंड ऑफ मोथ. तो ये अलग अलग तरीके के मोथ होते हैं, राइट. द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ दैट इज मलबरी सिल्क मोथ. रेशम का जो कीड़ा होता है वो कौन सा वाला, मलबरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, राइट. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस, शाइनी जो होता है उसको बोलते हैं लस्ट्रस, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड. उसको डाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर में. सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिल्क को ग्रो किया जाता है. मीन्स क्या, सिल्क वॉर्म, सेरिकल्चर, हम कीड़े को पालेंगे, कीड़ों को जब पालते हैं उनसे हम सिल्क लेते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन है, राइट. इट इज़ वेरी ओल्ड एंड इट्स बेनिफिशियल ऑल्सो, राइट. नाउ लेट्स डू एक्टिविटी 3.5. कलेक्ट पीस ऑफ अ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप एंड पेज से आई मीन स्क्रैप बुक. अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आपको सिल्क क्लॉथ लेने हैं और उनको क्या करना है, अपनी स्क्रैप बुक पे पेस्ट करना है. You can find them in a tailor shop about the heap of waste cut out. जो टेलर होता है कपड़े बनाता है ना, तो कपड़े बनाने के बावजूद जो वो बाद जो छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं, कटिंग्स बच जाती है, उनको आपको चेक करना है कि उसमें सिल्क कौन सा है और फिर उस सिल्क को क्या करना है, अपनी स्क्रैप बुक पे पेस्ट करना है. टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टेसर सिल्क, आरी सिल्क, मूगा सिल्क, राइट. कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क विद दैट ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर. ऐसे भी होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, राइट. ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मोथ्स हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क. सो नाउ वी हैव एक्टिविटी 3.6. Take an artificial silk thread and a pure silk thread. Burn this thread carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? कोई भी आप थ्रेड लो और उसको बर्न करो, क्या आप देखते हो कि वो नोटिस करो कि किस तरह की स्मेल होती है. Now burn a woolen fiber. अब एक woolen fiber को burn करो. Did it smell like burning of artificial silk or that of a pure silk? आप क्या देखते हैं, किस तरह की स्मेल उसमें आ रही है. Can you explain why? To remember, when the cocoon stage is reached in the life history of a silk moth, try the following activity. Here, photocopy 3.9, cut out the piece of stage of a life history of a silk moth and paste them in the piece of a cardboard. आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड के ऊपर या चार्ट के ऊपर जो भी उसकी लाइफ हिस्ट्री है उसको देखना है. Jumble them. Now try and arrange the stages. आप उनके स्टेज को भी आगे पीछे कर सकते हैं और फिर दोबारा से देख सकते हैं कि किस तरह का एक सीक्वेंस होता है जिससे आपको एक सिल्क जो मिलती है, ऑब्टेन होती है. यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर वर्ड्स, राइट इन योर स्क्रैप बुक. आप अपनी उसमें भी इसको लिख सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम कोकून टू सिल्क हाउ वी कैन ऑब्टेन इट. ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड. हमने कहा हमने उन कीड़ों को पाला. द कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. नाउ हियर रियरिंग सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज कितने, 100 अबव, राइट, 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप ऑफ अ क्लॉथ और अ पेपर और सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर. अब उनको किसानों को बेच दिया जाता है. द फार्मर then keep egg under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. The egg are warmed to suitable temperature. उनको warm किया जाता है for the larva to hatch from the egg. अब उन अंडों से क्या मिलेगा, larva मिलता है. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. The larva called, क्या बोलते हैं उसको, caterpillar. जैसे सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ईच डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इन मलिस इन साइज. और फिर वो क्या करता है, बढ़ना शुरू हो जाता है. सो दिस इज अ लीफ ऑफ मलबरी, राइट. दीज आर कोकून्स. नाउ द लावा आर केप्ट इन अ क्लीन बैम्बो ट्री. अब उस लावा को कहाँ रखा जाता है, क्लीन बैम्बो ट्री पे अलोंग विद फ्रेशली चॉप मलबरी लीव्स. आफ्टर 25 to 30 डेज the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo
bamboo in the tree of a spin cocoons. Small rags or twigs may be provided. छोटे-छोटे rag बनाए जाते हैं, right? To which cocoons get attached. The caterpillar or silk worm spin the cocoon inside and which develop the silk moth. और उससे क्या बनता है? Silk moth बनता है. Now let's understand processing of silk. A pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoon are kept under the sun. उसको धूप में रखा जाता है, boil किया जाता है, उसको steam किया जाता है. The silk fiber separate out. वो separate हो जाता है. The process of taking out thread from cocoon for use as a silk is called reeling the silk. ऐसा process जिसमें से cocoon से thread को निकाला जाता है, उसको बोलते हैं reeling. Reeling is done in a special machine which unwind the thread or fiber of silk from the cocoon. जो cocoon से धागे को निकालता है. Silk fibers are then spun, उनको बुना जाता है. किसमें? Silk thread में, which are woven into the silk cloth by the weavers. So this is all about this chapter. We will see the slides with the different definitions and with different point in the next video. If you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification. Thank you. Bye bye.